बैठो। लड्डू खाओगे? बहुत बुरा हुआ मेरे साथ साई। मैं जानता हूं। क्या तुम यहां मेरे पास एक दिन रह सकते हो? लेकिन उससे क्या होगा साई? श्रद्धा सबूरी। गलत विचारों को नहीं मानती, लेकिन अपने आप को तो मानती हूं। अगर तुम मेरी बात पर ध्यान देती तो अब तक नृत्य के रहस्य तक पहुंच जाती। जरा सोचो क्या वजह है इसकी। इतना रात को ही निकलना था क्या? कल रात खेत में जंगली सुअरों ने हमला कर दिया था, इसीलिए हमें कुछ रात मशाल लेकर पहरा देना होगा, वरना पूरी फसल बर्बाद कर देंगे वो। लेकिन बाबा, अगर कोई खतरनाक जानवर, चोर या डाकू आ गए तो साई के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। बस तुम साई का नाम जाप करते जाओ। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। अब तो आधी रात को नींद से उठकर नाचने लगी। कहीं लोग सच तो नहीं बोलता, सच में तो भूत तो नहीं? ऐसा चित्र बनाकर किस परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद दे रहे हो साईं? कौन है ये लोग? शिरडी के तो नहीं लगते। पिता की तस्वीर बना रहा हूं भाई साहब। किसके पिता? तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। और मनुष्य सोचता है वो उन स्मृतियों से मुक्त हो गया। रेवती भी यही भूल कर रही है, लेकिन मुक्ति सिर्फ स्वीकृति में, मुक्ति सिर्फ सत्य में। मनुष्य सत्य से कितना भी भागे, लेकिन सत्य उसके सामने आ ही जाता है। कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में।
रेवती, एक बार और सोच लो बेटा। मैं सोच लिया अप्पा। लेकिन जाने से पहले एक बार साई से मिल लेते तो। हाँ अप्पा, मुझे भी साई से मिलना है। हाँ रेवती, हमको उनको बता के जाना चाहिए, बिना मिले गए तो अच्छा नहीं लगता उनको। शाम को रात से रेल है, हमें अभी निकलना पड़ेगा, पहले ही देर हो चुकी है। और देर ना हो जाए इसलिए मैं खुद चला है। साईं, आपको छोड़ के जाने का इच्छा नहीं होता, लेकिन रेवती का जिद, जाना होगा। रेवती, ये चित्र मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, शायद गलती से तुमसे कहीं गिर गया, ये लो। साई, मुझे नहीं जाना है। होई ये सोई जो राम रचि राखा। चलो नंदा। आड़ वंडे हिल, एक भी बैल गाड़ी नहीं, नगर तक पैदल कैसे जाएंगे रेवती? हमको लगता आज इधर शिरडी में ही रहना चाहिए हम लोग को, और कल सुबह निकलना चाहिए। नहीं अप्पा, पैदल ही चलेंगे, हो सकता है आगे कोई बैलगाड़ी मिल जाए। चलो वांग गांग। चेतन, मुझे कागज मिलेगा और कोयला भी? जी साईं। शुक्रिया चेतन। इसे पर भूत ही आना था तो कोई आलसी भूत नहीं आ सकता था क्या? कितना चला रही है हमें, रात तक ऐसे ही ले जाएगी क्या? क्या बात अम्मा, एक दो दिन से मैं देखता अब मेरे से दूर दूर भक्त, अब तो पंडित के सच भी सामने आ गए, मेरे अंदर कोई माता नहीं, फिर आप मेरे से नाराज क्यों? क्योंकि मैं तुमसे डरने लगी। मेरे से डरने? क्या बात आई हो? दूर दूर
पर बात तो बताइए अम्मा, क्या बात है? तुम्हारा चिंता में मैं डरती, क्योंकि तुम अभी तक नित्य बंद नहीं किया ना, इसीलिए। वो अम्मा थोड़ा सा थक गया है, तो थोड़ा आराम कर ले। सॉरी। अम्मा और आचार देती। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ये क्षेत्र कैसा है? साई ने तो मेरे हंसते हुए परिवार का चित्र बनाया था, ये बदल कैसे गया? रेवती, क्या हुआ रेवती? रेवती, अप्पा, मैं आता। रेवती, रेवती। रेवती, रेवती क्या हुआ तुमको? रेवती, ये हमारा बात तो सुनो, रेवती। नहीं मैं ये कैसे भूल गई, लेकिन मेरे को अब सच जानना है साई। मेरे को लगता था मेरे अप्पा बहुत अच्छा इंसान है, फिर अप्पा ने अम्मा को क्यों मारा? याद करो रेवती, तुम मुझे सबसे पहले क्यों मिली थी? क्या परेशानी थी तुम्हें? मेरा नृत्य, उसका राज तुम्हारे अतीत में है रेवती, सब कुछ तुम्हारे सामने है मगर बिखरा हुआ। तुम्हें बस उन स्मृतियों को एक धागे में पिरोना है। लेकिन मेरे को तो कुछ भी साफ साफ याद नहीं साई। तो नृत्य करो रेवती, अगर जवाब तक पहुंचना है तो पहले अपने मन को आजाद करो,
अपने बनाए नियमों को तोड़कर नंदा को नृत्य करने दो, बल्कि तुम खुद उसे नृत्य सिखाओ। नंदा के नृत्य करने से क्या होगा और उसको मैं कैसे सिखाऊं? मेरे को तो नृत्य आता ही नहीं। यही बात तो मेरे को परेशान करती कि मेरे को नृत्य नहीं आता तो मैं कैसे नृत्य करने लगती। तुम्हें नृत्य आता है रेवती? हाँ, ये अलग बात है कि तुम नृत्य करना नहीं चाहती, तो आज से कोशिश करो अपने मन में बनाए नियमों को छोड़कर खुद भी नृत्य करो और नंदा से भी नृत्य कर पाओ, तभी तुम अपने सच तक पहुंच पाओगी। रेवती, साई का बात एक बार मान कर तो देखो। मेरे को नृत्य से कोई नाता नहीं, मेरे को बस इतना समझना है कि उस दिन अप्पा ने अम्मा को क्यों मारा था। और तुम्हें ये जानने की कोई इच्छा नहीं है कि तुम अचानक से होश खोकर नृत्य क्यों करने लगती हो, जबकि तुम्हें तो नृत्य से इतनी नफरत है। क्या तुम इस नफरत का कारण भी नहीं जानना चाहती? क्योंकि दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता है रेवती। मेरा नृत्य तो यहाँ आके शुरू हुआ, इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरे को पता श्रुति से जाते ही ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक ये सब मैं क्या देखने लगती, क्या मतलब इन बातों का? और वो थप्पड़, ये चित्र कैसे बदल गया? मुझे सब बातों का रहस्य समझना, क्योंकि नृत्य का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। रेवती, हर बात, हर कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे शरीर की हर नस, हर रक्त एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक नस को चोट आए तो दर्द मस्तिष्क को भी होता है, उसी तरह हमारी समस्याएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक भी समस्या की अनदेखी करो तो वो किसी दूसरी समस्या के रूप में सामने आ जाती है, और फिर ये याद ही नहीं रहता कि समस्या शुरू कहां से हुई थी। इसीलिए अगर कांटे खोलनी है तो डोरी का सिरा तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। साई, आपको अपनी बातों पर इतना विश्वास तो ठीक है, अगर आपको लगता है नंदा को नृत्य सिखाने से मेरे अप्पा के उस बात का रहस्य मैं समझ जाऊंगी, तो मैं भी देखना चाहती हूँ ये चमत्कार। मेरे को नहीं पता कि मैं नंदा को नृत्य सिखा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो नृत्य आता ही नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी आपके कहने पर। फिर भी मैं जो नृत्य के बारे में सोचती हूँ वो नहीं बदलेगा। अल्लाह मालिक, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई, ओम साई, ओम साईओ।
को बोला कि अम्मा ही मेरे को नृत्य सिखाएगी, लेकिन अम्मा को नृत्य आता ही नहीं है, वो मेरे को कैसे सिखाएगी? सबके सामने मजाक नहीं बन जाएगा मेरा? मैं हमेशा से चाहती थी नृत्य करना, अभी पहली बार मौका मिला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सब लोग मुझ पे हंसने लगे। मैं बस इतना चाहती कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और ये नित्य वाला भूत किसी तरह से भाग जाए। आइयो, तुम कुछ बोला? कुछ नहीं जी। रेवती, थोड़ा और कोशिश करो। रेवती, रेवती, दीक्षाम देही। लाती मुझे भिक्षा में तुम्हारी कला चाहिए। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैंने कोशिश तो की ना, लेकिन मेरे से नृत्य नहीं हो रहा है। जब मेरे को होश नहीं होता तब मैं बहुत अच्छा नृत्य करती, ऐसा सब बोलते, पर जब मैं होश में रहती मेरे हाथ पैर जैसे हिलते ही नहीं। अंदर से ऐसा लगता जैसे मैं कोई गलत काम करने जाती। मतलब समस्या नृत्य की नहीं, तुम्हारी सोच की है। नृत्य तुम्हारे अंदर है रीति, बस ठीक से कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन मैं कोशिश करती, लेकिन कोई प्रेरणा नहीं, कोई संगीत नहीं, इसलिए मुश्किल होती। प्रेरणा तो प्रकृति के कण कण में है रीति, प्रकृति का संगीत सुनो। आखिर हर कला की प्रेरणा प्रकृति ही तो होती है। देखो, जब हवा लहलाती है तब पेड़ पौधे कैसे झूमते हैं। पंछियों की मधुर आवाज सुनो। दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज सुनो। प्रेरणा लेने के लिए इन झूमते बादलों को देखो। पाप होता है बेटी, तुम्हें नृत्य को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अच्छे घरों की महिलाएं नृत्य नहीं करती। हमारे घर की कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी कुछ परंपराएं हैं। तुम्हें उस परंपरा को, अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है। तुम्हें उन परंपराओं को अपना कर्तव्य समझकर निभाना है, हमारी मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है। इसलिए
तुम्हें नृत्य को हमेशा के लिए भूलना होगा। अप्पा मैं सब समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं आपके कहे हुए रास्ते पे चलूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, उसके लिए तुम्हारा शुद्धिकरण हो चुका है। अब हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगो और उनसे प्रार्थना करो और ये वादा करो कि भविष्य में तुम कभी भी नृत्य नहीं करोगे। कभी नहीं नाचूंगी। जो गलती मैंने की है उसको प्रायश्चित करूंगी और नीता की यादों को हमेशा के लिए मन से निकाल दूंगी। मेरे को सब याद आ गया। रेवती, रेवती, सब याद आ गया। सब मेरी गलती। मेरे को माफ कीजिए, मेरे को कुछ भी याद नहीं था। माफी क्यों रेवती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुख भरी स्मृतियां तुम्हारे मन में कहीं दब गई थी, जिनका बाहर आना जरूरी था तुम्हारे भले के लिए, और वही हुआ। याद आ रहा है मेरे को नृत्य करना कितना पसंद था। अम्मा को भी मेरा नृत्य करना बहुत पसंद था, लेकिन हम हमेशा अभ्यास दिन के समय करते थे क्योंकि अप्पा उस वक्त काम करने जाते थे। सब रुक गया। मेरी खुशियां, मेरी दुनिया, मेरे सपने, सब कुछ। रेवती, तुमने नृत्य को दिमाग से तो निकाल दिया लेकिन दिल से नहीं निकाल पाए, और तुम वैसी बनने की कोशिश करने लगी जैसे तुम्हारे अप्पा चाहते थे। लेकिन जब जब तुम चेतना से अवचेतना की ओर गई, तुम्हारा नृत्य के लिए प्रेम बाहर आने लगा। हाँ साई, कितना अजीब बात है, अपने अप्पा के बाद भी मैं उनके डर में जीती रही और मेरे को पता भी नहीं चला। इसीलिए जब भी आपके नाम का जप सुनती मेरा सारा डर भूल जाती। अब इतने सालों बाद क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हारे अप्पा सही थे? वो बुरे इंसान नहीं थे। इस एक बार के सिवा उन्होंने मेरे से
या अम्मा से कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। ठीक कहा बेटी, तुम्हारे अब्बा खुद ही समाज के नियमों से बंधे हुए थे। जो सोच उन्हें उनके बड़ों से विरासत में मिली थी और जो उनके बचपन में उन पर थोपी गई थी, वही सोच उन्होंने तुम्हें भी दे दी। और तुम भी तो वही कर रही थी जिन रूढ़िवादी मान्यताओं का भार तुम आज तक झेलती आई हो। वही भार आज तुम अपनी बच्चियों पर डाल रही थी। जिसका असर तुम नंदा पर भी देख सकती हो। जो नंदा आज तक तुम्हारे सामने मुंह भी नहीं खोलती थी, कुछ दिन पहले इसने भी तुमसे बहस की, क्योंकि एक सीमा के बाद किसी की भी सहन शक्ति चली जाती है, विद्रोह करने लगता है मन। हाँ साईं, मेरे से गलती हो गई। रेवती, ये गलती तुम ही नहीं, कई लोग करते हैं। लोग अपने बच्चों को अपनी मान्यताओं, अपनी सोच के हिसाब से चलाते हैं। उन्हें ये डर होता है कि बिरादरी में लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन समय के साथ साथ सोच का बदलना भी जरूरी है, वरना इंसान पीछे रह जाता। और इस बदलाव को तुम स्वीकार नहीं कर रही थी, इसीलिए इतने समय से परेशान थी। रेवती, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या तुम्हारी अम्मा तुम्हारा बुरा चाहती थी, जो उन्होंने तुम्हारे नृत्य को बढ़ावा दिया। लेकिन अपने अप्पा के क्रोध के डर से तुम्हारा मन उस दिशा में गया ही नहीं। को माफ कर दे बेटी, मैंने अपनी गलत सोच तुम पे थोपने की कोशिश की। तुमसे तुम्हारी सपने छीनने की कोशिश की। मैं और तुम जी भर के नाचेंगे। रेवती, अपने अतीत के बंधनों से अब तुम मुक्त हो चुकी हो, यही तुम्हारा उपचार था। माई, देखा ना, ना कोई देवी और ना कोई भूत। मैं बहुत शर्मिंदा हूं साई कि लोगों के बातों पे विश्वास कर लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे रेवती, मुझे माफ कर दे बेटी। ठीक से कर रहे हो ना, करो। मैं कुछ करूं? प्याज काट लीजिए। प्याज क्या हुआ? कुछ नहीं, काटता हूं। आ जा। अरे वाह, आज बहुत दान आ गया। अच्छा है, भंडारा अच्छे से होगा। अब लोगों को कई तरह के प्रसाद खाने मिलेंगे। बाईजा का दान कम भी आता
तो साई के भंडारे में कभी किसी को कोई कमी हुई है भला? ऐसा ही है मेरे साई का चमत्कार। यहाँ भंडारे में इतने लोग आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता हमेशा भंडारा कैसे अच्छे से संपन्न हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है भाई सामा, ये तो आप सबका सेवा भाव है। और सेवा भाव से किया हुआ कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। अगर मदद करने की इच्छा हो तो ना तो थकान होती है और ना ही किसी चीज की कमी। इसीलिए और कुछ भी मायने नहीं रखता है, सिर्फ निस्वार्थ सेवा भाव। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना हो। क्या हुआ? वो देखो इतने सारे लोग आए हैं मंदिर में दर्शन करने। तो मौका अच्छा है, आओ। नमस्कार, मेरी तरफ से मिठाई लीजिए। लीजिए। मिठाई किस लिए? इससे पहले शिरडी में आपको कभी देखा नहीं। मैं महेशीलाल सुनार हूँ। नासिक में मेरी बहुत बड़ी आभूषणों की दुकान है। सोना, हीरा, पन्ना जैसे आभूषण और रत्न हमारी दुकान पर मिलते हैं। बड़े बड़े राजा और महाराजा, सेठ साहूकार सब आते हैं हमारी दुकान पर। और एक बात, पहले ये देखिए, आभूषण और रत्नों को खरीदने के लिए अगर किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। ये लीजिए, कुछ पर्चे हैं, आप भी बांट दीजिएगा। आपके घर वालों को या आपके किसी भी मित्र को जेवर और आभूषण से संबंधित कोई भी चीज हो ना तो हमें मौका जरूर दीजिएगा एक बार। हो सकता है उनका भला हो जाए। सच्चा माल वाजिब दाम, नासिक में हमसे बेहतर कीमत पर वैसा माल कोई नहीं दे सकता है। और हाँ, अगर कोई ये पूछता है कि ये मिठाई किसने दी है तो आप कहिएगा नासिक के महेशीलाल आभूषण वालों की तरफ से। ठीक है ना जी? धन्यवाद, जय प्रभु। आओ चलो, आओ। क्या जरूरत थी सारी मिठाई बांटने की? ये मिठाई आप साईं बाबा के लिए लाए थे ना? मेरी भाग्यवती, ये व्यापार बढ़ाने के तरीके हैं, है ना? पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर अपनी दुकान के प्रचार में ही तो निवेश किया है। अब तुम खुद सोचो कि 10 रुपए की मिठाई में हम पूरे गाँव वालों को अपनी दुकान के बारे में बता रहे हैं, है ना? और इनमें से एक भी ग्राहक अगर 100 रुपए का आभूषण ले गया तो हो गया ना मुनाफा। साई के लिए मिठाई और खरीद लेंगे। मतलब फिर खर्चा? भाग्यवती, तुम्हें तो जब देखो सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है, है? बताया ना, पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अब चलो मिठाई लेकर साई के पास चल रहे हैं। आओ चलो।
प्रणाम साई। राम जी भला करें। मेरा नाम विश्वा है बाबा, तेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, एक हादसे में इसे चोट लगी थी, तब से इसमें ताकत ही नहीं है। और हाथ ठीक न होने की वजह से व्यापार भी ठप हो गया है, गरीबी में जी रहा हूं। विश्वा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन ये तो जीवन के उतार चढ़ाव है, अक्सर हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो क्या मेरा समय कभी नहीं बदलेगा? ऐसा नहीं है विश्वा, जीवन में कैसे भी दिन आए, हमारे अच्छे कर्म हमारी परेशानी कम करते हैं। अच्छे कर्म मतलब? क्या मेरे पुराने कर्म बुरे थे? मुझसे कोई गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसा हुआ? तुम चिंता मत करो, मालिक सब ठीक कर देगा, तुम बस कल शाम को मेरे पास आ जाना। कल शाम? क्यों साई, क्या आप अभी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? कल शाम को जब आओगे तो इसका उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है साई, प्रणाम। वासुपति काका, क्या आज भंडारे में मिठाई भी है? बेटा, आज भंडारे में कुछ मीठा नहीं बना है। वैसे साईं, आज मेरा भी मन है कि भंडारे में मिठाई भी होनी चाहिए। अगर आप आज्ञा दें तो मैं तात्या को भेजकर दुकान से मंगवा लूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है श्रीकांत, सबके लिए मिठाई आज खुद चलकर आ रही है। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। भाऊ, मेरे लिए सारी मिठाइयां बांट दो। जी हाँ, लीजिए। सुनो, ये सारी मिठाई बांट दो। चलो मिठाई लेकर आओ। सारी ले आना। चलो चलो। सारी मिठाइयाँ, थोड़ी बहुत ले लेते, दान ही तो करनी है। हर चीज में इतना खर्चा करना जरूरी है क्या? हर बार वही बात, कहा ना ये खर्चा नहीं है, निवेश है। साईं बाबा के यहाँ बड़े बड़े भक्त होंगे, कई तो उसमें रईस लोग भी होंगे। अरे, हमारा जब उन पर रुबाब पड़ेगा तभी तो वो लोग हमारी दुकान पर आएंगे। मेरी तो सुनते कहाँ है आप। रामकिशन, सारी मिठाइयाँ कहाँ हैं? मैं बच्चों के लिए थोड़ी मिठाइयाँ खरीदने आया था। माफ कीजिएगा पाटिल साहब, ये सारी मिठाइयाँ सेठ जी ने खरीद ली है। आपने आने में थोड़ी देर कर दी, मैं महेशी लाल। देवरों की दुकान है नासिक में मेरी एक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।